नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोरखपुर 5 अगस्त 1999 को भारतीय सीमा स्थित कारगिल पहाड़ी की चौकसी के दौरान लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग पाकिस्तानी फौजियों और आतंकियों के निशाने पर आ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध से पूर्व लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की तैनाती गोरखपुर गोरखा रेजिमेंट पर थी। आज गोरखपुर में गुरुंग चौक पर भारतीय शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के 20वें शहादत दिवस पर गोरखा रेजिमेंट के जवान और पूर्व सैनिकों समेत गोरखपुर के गणमान्य नागरिक ने परंपरागत रूप से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भारतीय फौज के रिटायर्ड शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के पिता व युद्ध सेवा मंडल प्राप्त ब्रिगेडियर पी एस गुरुंग और उनकी माता समेत कई निकट वर्ग के रिश्तेदार भी शहादत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखा गया। ब्रिगेडियर पी.एस. गुरुंग ने अपने शहीद बेटे की प्रतिमा के समक्ष पुष्प चक्र अर्पित कर सैल्यूट किया। मीडिया से बातचीत कर ब्रिगेडियर पी.एस. गुरुंग ने कहा कि देश के लिए दिया गया बलिदान कभी खाली नहीं जाता। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले में से ऐसे कई जवान भी शामिल थे जो लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के साथ कार्य भी कर चुके थे। लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग मूल रूप से नेपाल के निवासी थे, लेकिन भारत माँ के लिए की गई उनकी सेवाएं अविस्मरणीय हैं और अकथनीय हैं। भारत नेपाल मैत्री समाज के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक और भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि हर साल हम इस दिन को बड़े शिद्दत से मनाते हैं और लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग को याद करते हैं। लेफ्टिनेंट गौतम गुरु भारतीय सेना में आया, अपने परिवार की चौथी पुष्ट होने के बावजूद सेना में शहीद हुआ। माता पिता की चौथा पुष्ट होने के बावजूद हमारे भारतीय सेना में शामिल हुआ और सीमा रेट पे जाकर शहीद। आज हम उसकी शहादत दिवस बड़े गर्व के साथ मनाते हैं और सेना के हर उस जवान को इस शहादत के प्रति हमारा जो सम्मान है वो हम आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं कि सीमा पर जान देने वालों के लिए देश का हर नागरिक अति उत्साह के साथ उनकी शहादत दिवस में शामिल होता रहेगा और उनको नमन करता रहेगा। यही हमारा भारत नेपाल मैत्री समाज का संदेश है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि देश की जीत चाहे वो फौज में हो चाहे पैरामिलिट्री फौज में हो, अगर देश के लिए वो अपना बलिदान देता है कभी वो बिगाड़ नहीं जाएगा, उसको हर एक कोई याद करेगा। तो इसीलिए सभी नई युवा लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए, देश के लिए बढ़िए और देश को सुरक्षित रखिए। थैंक यू। अंकल जरा इनको बता दीजिए बच्चे के बारे में।